तुम्हें सलमान खान पसंद है करके दिखाओ, देख लो ना भाई, ये सलमान खान के कट्टर फैन है जी, देख लो अपनी पूरी जींस भी फाड़ने में लगे हुए लोग। ठीक है सलमान खान दबंग थ्री, ये आंखें जो मेरी तरफ करी है ना बेटी, उधर लाइन मार दबंग थ्री न्यूज। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैडनेस विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस इस दिसंबर में धमाका होने वाला है, तीन बहुत बड़ी फिल्में आ रही है, यानी कि गुड न्यूज, दबंग थ्री और पानीपत। यार आज हम दिल्ली के लोगों से पूछते हैं कि कौन सी मूवी के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए, और कौन सी मूवी करेगी सबसे ज्यादा बिजनेस। अमन 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 भाई, दिसंबर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तीन बड़ी फिल्में आ रही है, पानीपत आ रही है संजय दत्त सर की, और गुड न्यूज आ रही है अक्षय कुमार सर की, और दबंग थ्री यानी कि सलमान भाई जान की फिल्म आ रही है। तो भाई ये बताओ तीनों फिल्मों में से पहले बताओ कौन सी फिल्म तुम देखने जाओगे, पहले तुमसे कौन सी देखने जाओगे ये बताओ। वैसे तो मैं देखने तो अक्षय कुमार की जाऊंगा। क्या बात है, गुड न्यूज। बट मेरे को लगता है ये सलमान खान की होगी। सलमान खान की ज्यादा। अच्छा और भाई सबसे ज्यादा मूवी बिजनेस कौन सा करने वाली है, सबसे ज्यादा कौन सी मूवी बिजनेस करेगी? दबंग पक्का। क्या बात है सलमान भाई जान, सही हो आप। अच्छा भाई तेरे हिसाब से जो तीनों फिल्में हैं ठीक है, सबसे ज्यादा सुपर हिट कौन सी बनी है जिसको बोलेंगे ब्लॉकबस्टर होगी भाई तुम्हारे हिसाब से? ब्लॉकबस्टर में मतलब कौन सी मूवी जीतेगी बिजनेस के मामले में? जी मैं चाहता हूँ वैसे तो अक्षय कुमार की जीते, बट तीन फिल्में आ रही है पानीपत, दबंग थ्री और गुड न्यूज इस दिसंबर मंथ में। तो पहले तो कौन सी फिल्म आप देखने जाओगे? मैं पानीपत। ये पानीपत में सवार होगा भाई? अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पानीपत में क्या है, कुछ ऐसा इतिहास दिखाया गया है जो कि हमारे लिए लगता है कि देखने के बाद यहाँ उसमें कुछ होना चाहिए। जो मतलब वैसे आप इतिहास को बड़ा पसंद करते हो देख रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, इसमें ऐसा कुछ दिया है ना इतिहास को। ठीक है भाई ये तो इतिहास के लिए जाएगा। अच्छा भाई तेरे हिसाब से इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा जो बड़ी मतलब बिजनेस करने वाली फिल्म कौन सी रहेगी? वो पानीपत ही होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं, वैसे तेरे हिसाब से पानीपत 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 होगी। हाँ चल, और कौन सी सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट होने वाली? पानीपत। ये तो जैसे अग्निपथ था ना, ये पानीपत पानीपत। तो भाई ये बताओ कौन सी फिल्म पहले देखने जाओगे? सबसे पहले मैं देखना चाहूँ तो दबंग थ्री देखना चाहता हूँ। एक बात है, इसका टोरा देखो, एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। इस भाई ने जो कह रहा ना भाई, सबसे पहले मैं देखना जैसे मूवी लागे बढ़िया है। अच्छा क्या देखोगे आप? सलमान खान की दबंग थ्री। मतलब सही यार, भाई जान की फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़िया है। हाँ उसकी दबंग थ्री से वेरी पॉपुलर थी। अच्छा मैं अच्छा ट्रेलर भी है, मैंने उसका ट्रेलर देखा तो काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रेलर है उसका। अच्छा तो आप दबंग थ्री पहले देखेंगे? सबसे पहले जो देखूँ तो दबंग थ्री देखो। तो बेटा ऐसा है कि 20 दिसंबर को अपनी बंदी से नहीं मिलना है, आपको दबंग थ्री देखना है अपनी बात क्योंकि बोली। ठीक है तो बंदी से देखूँ। क्या बात है, बंदी को साथ लेके जाएगा लौटा। चल भाई सेकंड क्वेश्चन, तेरे हिसाब से इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली दिसंबर मंथ में? बिजनेस की बात क्योंकि तीनों स्टार बड़े हैं अपने में। ठीक है अब तो बड़ा बिजनेस कौन करेगी, फंस गया तुम। बिजनेस के मामले में देखा जाए तो गुड न्यूज़ अक्षय कुमार के लिए ज़्यादा बिजनेस करेगी। बिजनेस कर सकती है पर दबंग के लिए ज़्यादा। तू लॉयल नहीं है बेटे, मैंने अभी बोला सलमान भाई जान के पास जाएगा, फिर तूने जब फिर भी बंदे ने बात घुमा दी कि भाई ठीक है दबंग। पर क्योंकि दबंग के लिए पहले अगर दबंग के लिए देखा जाए तो उसके मुकाबले थोड़ा सा हल्का हो सकता है, थोड़ा हल्का हो सकता है। हाँ पर दोनों में कंपटीशन है। फिल्म आ रही है दबंग, दिसंबर में धमाका होने वाला है, पानीपत संजय दत्त सर की, गुड न्यूज अक्षय कुमार जी की, और दबंग थ्री यानी कि हमारे सलमान भाई जान। तो भाई कौन सी मूवी आप देखना पसंद करोगे? मैंने भाई जान की होगी क्योंकि देखो इधर तू ये नंगा करके दिखाओगे ठीक है, मुझे नंगा वाला सीन है भाई, ठंड लग रही है बंदे को, लेकिन हम भी तो आए शर्ट पहनने के लिए। भाई आप बताओ दबंग तुम भाई हो गया? भाई नहीं है, भाई के भाई है दबंग थ्री। ठीक है चल भाई सेकंड, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली है तीनों फिल्मों में इस दिसंबर में? भाई जान की होगी दबंग थ्री। दबंग थ्री नेम इटसेल्फ इज अ ब्रांड। ठीक है नेम ब्रांड है भाई, ये तो बंदे का ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों लगता है, क्यों वो बिजनेस करेगी तुम्हारे हिसाब से ऐसा भाई? क्योंकि एक ऐसी सीरीज है, वो एक ऐसी सीरीज है कि ऑटोमेटिक मतलब लोग अट्रैक्ट होंगे उसके टुवर्ड्स। ठीक है तीसरा पार्ट है और एक ऐसे बंदे का मतलब कैरेक्टर जो कि खुल के आगे आते हैं, मतलब जो उनका स्टेप होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ट्रेनिंग ये वगैरह चीज़ों की जरूरत नहीं। तो एक बार थोड़ा करके दिखाओगे मजा आएगा। अबे एक तो करो, तुम्हें सलमान खान पसंद है, एक करके दिखाओ, देख लो ना दबंग। भाई ये सलमान खान के कट्टर फैन है जी, देख लो अपनी पूरी जींस भी फाड़ने में लगे हुए लोग। ठीक है चल भाई लास्ट, ब्लॉकबस्टर कौन सी फिल्म होने वाली है तीनों फिल्मों में से दिसंबर के मंथ में? दबंग थ्री गुड न्यूज़। अक्षय कुमार की जो अक्षय भाई जी गुड न्यूज़। और आप? अक्षय कुमार की गुड न्यूज़। अच्छा उसमें ऐसा क्या है मतलब जो तुम्हें गुड न्यूज़ की इतनी वो हो रही है? गुड न्यूज़ इज बेसिकली अ कॉमेडी मूवी। हाँ
तो यार अक्षय कुमार की कॉमेडी हम सबको पता है और वो अच्छी मूवीज करता भी है, मतलब बढ़िया मूवीज होती है। अभी हाउसफुल तो आई थी ठीक है। चलो भाई सेकंड, कौन सी मूवी आपके अकॉर्डिंग तीनों में से सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली है दिसंबर मंथ में? डिपेंड करता है, दबंग 3, पानीपत और गुड न्यूज, इन मूवीज में से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा बिजनेस करेगी? यार दबंग सलमान खान की हमें मूवी बता हर बार कितना बिजनेस करती है 300 करोड़, तो मेरे को है क्या मुझे भी दबंग लग रही है, सलमान खान का ब्रांड भाई सब दबंग 3 मेरे साथ। आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग्स। ओके तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब दबंग 3 गुड न्यूज या दबंग 3? दबंग 3 यार, दबंग 3 फ्रेंचाइजी बन गया और वो एंटरटेनिंग मूवीज होती है। सलमान दबंग 3 ओ भाई साहब, तो कौन सी इस दिसंबर मंथ में? इस दिसंबर मंथ में हमारी वीडियो अबाउट गुड न्यूज, दबंग 3 और पानीपत मूवी के रिएक्शंस के बारे में। फिर दिल्ली के लोगों ने तो बता दिया वो कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे और क्यों, और कौन सी मूवी करेगी सबसे ज्यादा बिजनेस। गाइस आपको भी जो लगता है और आपकी भी जो फेवरेट मूवी है हमें कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैडनेस विद मनीष, और गाइस आप मेरे पीछे भाग सकते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को।